हैं, नेट प्रॉफिट को फैक्टर। हाउ इज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेटेड? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में जो टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, चाहे वो ओनर का है या चाहे वो बैंक से लोन लिया, अपना पैसा भी और गैरों का पैसा भी क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है और वो ये है, ओनर्स कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ओनर कैपिटल क्या होता है? ओनर्स इक्विटी, वो पैसा जो ओनर ने लगाया, और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? वो पैसा जो बाहर वालों ने लगाया, वो नॉन करंट लायबिलिटी। दोनों को ऐड कर लें, कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चे एक और भी फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, और वो दूसरा फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दे तो क्या आ जाता है? ओनर्स कैपिटल। हमें टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी नहीं माइनस करनी, सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस करनी। क्यों? नॉन करंट लायबिलिटी हमें रखनी है, इसलिए टोटल एसेट में से सिर्फ करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला, किसी भी बिजनेस में ओनर्स कैपिटल कम होगा और कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में अपना पैसा भी होता है